तेलंगाना के तरफ से कल लॉकडाउन का जियो इशू होने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी ट्रैफिक, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी साउथ, डीसीपी सेंट्रल, सभी लोग सुबह 10 बजे से इम्पॉर्टेंट चेक पोस्ट पर लॉकडाउन एनफोर्समेंट को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े शहरों के कंपैरिजन में, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैदराबाद में बहुत कम है, टोटल नंबर ऑफ डेथ भी हैदराबाद में बहुत कम है, लेकिन जो भी नंबर है इसको और कम करने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत है। ये लॉकडाउन का पर्पस है ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना, और ये 10 दिनों में अगर आप लोग सही तरीके से कोऑपरेशन किए और हम लोग लॉकडाउन को एनफोर्स किए तो 10 दिन में ये नंबर ज़रूर और भी कमेगा। ये आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए है, आपके बुज़ुर्गों के सेफ्टी के लिए है और आपके सेफ्टी के लिए है। इस लॉकडाउन में कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे इसेंशियल सर्विसेज, पूरे मेडिकल स्टाफ, इस तरह के मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। वो अपने जेब में, अगर आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो उनका प्रिस्क्रिप्शन रखिए, या अगर आप अटेंडर हैं तो बहुत से हॉस्पिटल अटेंडर का पास देते हैं, वो पास आप दिखाइए, वो भी वैलिड माना जाएगा। इसी तरीके से जो इसेंशियल गुड्स, मूवमेंट ऑफ वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, बच्चों के लिए दूध, इस तरह का जो चीज़ है वो सब इसेंशियल आइटम को एग्जेम्प्टेड है। कंस्ट्रक्शन आइटम, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, उसको भी एग्जेम्पशन है। तो अगर आपकी बड़ी गाड़ियां में ये सब आइटम आ रही हैं तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने फ्रंट विंड स्क्रीन में बाईं तरफ A4 साइज़ का पेपर में आप लिख के उसमें मेंशन करें कि आप क्या कैरी कर रहे हैं, तो आपको अलग से पास की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट पास की ज़रूरत है या इंटर स्टेट पास की ज़रूरत है तो वो पास जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, अगर मान लीजिए हैदराबाद से ओरिजिन है, सेंट्रल जोन के एरिया से, तो DCP सेंट्रल जोन ओरिजिनेटिंग पास जो जगह है वहाँ से पास देंगे, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वापस आने के लिए आपको वहाँ का पास लेना होगा। पिछले 10-12 घंटों में जो ई पोर्टल का एक प्लेटफॉर्म सिटी पुलिस के तरफ से क्रिएट किया गया है, उसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया है और ऑनलाइन लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम लोग पास दे चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको पास की ज़रूरत है इस तरीके से कुछ इसेंशियल काम के लिए तो आप अप्लाई करें, लेकिन अगर कोई पास का मिसयूज़ करता है तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये पूरा जो एफर्ट गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के तरफ से हो रहा है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार के सेफ्टी के लिए है। इसका आप इज्जत करें, इसको आप सही तरीके से इसको आप फॉलो करें, इससे आपकी और पूरे शहर की सेफ्टी इम्प्रूव होगी। थैंक यू सर। ये कंस्ट्रक्शन का आप जो कैरी कर सकते हो, फिर कंस्ट्रक्शन कर भी सकते हैं, फिर लेबर सब सर, शमशान और कब्रिस्तान में जो बॉडी वॉश करते हैं उनके लिए पासेस के लिए क्या इंतजाम किया गया सर? क्योंकि जहाँ तक कब्रिस्तान का सवाल है, क्रीमेशन ग्राउंड का सवाल है, बरियल ग्राउंड का सवाल है, ये इसेंशियल सर्विसेज के कैटेगरी में आता है। अगर किसी के घर में मौत होती है, किसी अस्पताल में मौत होती है, उसको किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनको जहाँ भी उनको अपना बताए हुए मुकामी क्रीमेशन ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड है, वहाँ आप जा सकते हैं। और अगर वो कोविड पेशेंट हैं तो कोविड पेशेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन को फॉलो करके आप लास्ट राइड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन